तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब वाला फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस न्यू अपडेट में। न्यू वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि BSF HCM ASI का एडमिट कार्ड आप सभी कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, उसकी पूरी जानकारी मैं आप सभी को आपके लिए यहां पर लाया हूं। उससे पहले एक ही निवेदन है कि आप सभी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। देखने के बाद आप लोगों को पूरा प्रोसेस यहां से पता चल जाएगा कि आप सभी अपना एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है, BSF HCM एडमिट कार्ड 2024 CAPF हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्जाम डेट हॉल टिकट डाउनलोड नाउ। ये ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करके आप सभी अपने एडमिट कार्ड से जुड़ी हुई पूरी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे यहाँ पर पहुँचना है, सिंपली गूगल पर चले जाना है और गूगल पर जाकर सर्च कर देना है केंद्रयोजना.com। केंद्रयोजना.com के आधिकारिक वेबसाइट पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप लोग क्लिक कीजिएगा, उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर जब आइएगा तो BSF HCM एडमिट कार्ड का लिंक आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप सभी अपना एडमिट कार्ड से जुड़ी हुई पूरी जानकारी को अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट का यहाँ पर लिंक अवेलेबल किया गया है। यहाँ पर क्लिक कीजिए, स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर जब आना है, उसके बाद आप सभी को ओवरव्यू यहाँ पर दिया हुआ है, उसके बाद आप सभी ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक कर लीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया है, उसके बाद कॉल लेटर, हाउ टू डाउनलोड BSF HCM एंड SI एडमिट कार्ड 2024। ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, इम्पोर्टेंट लिंक की मदद से आप सभी यहाँ से अपना एडमिट कार्ड को प्राप्त कर सकते हैं। इस लिंक पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर आप लोग पहुँच जाइएगा तो आप सभी अपना ये एडमिट कार्ड को आसानी पूर्वक डाउनलोड कर पाएंगे। स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आइए और यहाँ से आप सभी पूरी जानकारी को अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो केंद्रयोजना.com आप लोग जाइए और वहाँ से आप सभी अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कीजिए, एडमिट कार्ड से पूरी जानकारी वहाँ पर प्राप्त कर लीजिए।